कोई जानता है कि क्या बोलते हैं उनको? जो भी जानता है प्लीज़ मेरी वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस ये देखिए, ये है टटमोर। ये मशरूम की वैरायटी है, हिमाचल के लोग तो इसे जानते ही होंगे क्योंकि ये बरसात के टाइम में ज़्यादा बारिश होने के कारण ये खेतों में या कहीं भी ज़मीन पे निकल आते हैं अपने आप ही। तो इनको हम अपनी भाषा में टटमोर बोलते हैं और हिमाचल में ये काफ़ी जगह में पाए जाते हैं, खेतों में मिलते हैं ज़्यादातर, और वो भी बरसात के मौसम में। और इसी तरह के एक और भी होते हैं जो जैसे पुराना गोबर पड़ा होता है ना ज़मीन पे खेतों में, उसी के ऊपर निकलते हैं, लेकिन वो खाने वाले नहीं होते हैं, उनको हम सब्ज़ी के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। और ये जो है इनको हम सब्ज़ी के रूप में प्रयोग करते हैं और हम इसके पकौड़े बनाएंगे, अभी दिखाते हैं आपको। धोने के बाद इसका डंठल अलग कर लिया था, अब इसको मैश कर रहे हैं। मैश करने से ना ये थोड़ा सा रह जाता है, तो अब इसमें लंबा लंबा प्याज काट के डाल रहे हैं। अब इसमें ये बेसन डाल रहे हैं थोड़ा सा, एक चम्मच, और ये गरम मसाला, हल्दी, नमक और थोड़े से लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस पे तवा रख के थोड़ी देर गर्म होने देंगे, फिर उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद तवे पे सारा मिक्सचर डाल दिया और अच्छे से दोनों तरफ से सेंक लेंगे। ज़्यादा पकौड़े नहीं बने थे, दो ही पकौड़े बने थे। इस तरह से हमारे ये पकौड़े बन के तैयार हो जाते हैं। तो गाइज़ आप भी अपने घर में ये ऐसे टटमोर के पकौड़े ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको आसपास कहीं खेतों में दिखते हैं तो अपने घर वालों को ज़रूर दिखाना कि ये सच में वही है या कुछ और है, क्योंकि गोबर के ऊपर भी इसी तरह के, देखने में इसी तरह होते हैं लेकिन इसी तरह के वो उगते हैं, वो खाने के लायक नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।